Assalamu alaikum students, today is your lecture number 26 and we were talking about ionic crystals in the chapter of chemical bonding. So next topic is about ionic crystal structures. बेटा आयनिक बॉन्ड के बारे में तो अब आपको पता चल गया कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, आयंस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है. तो जो आयनिक क्रिस्टल्स हैं वो कैसे बनते हैं, वो आपके पास चार्जेस की अरेंजमेंट से बनते हैं, ठीक है. आयंस क्योंकि चार्ज पार्टिकल, ज़ाहिर है चार्ज आपके पास चार्ज स्पीशीज़ हैं, तो उन चार्ज स्पीशीज़ की स्पेसिफिक अरेंजमेंट से हमारे पास आयनिक क्रिस्टल्स बनते हैं, ठीक है. तो इस पूरे जो पैराग्राफ में आपके पास उन्होंने यही कहा है कि सो फार वी हैव अज्यूम्ड दैट आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज आयन पेयर्स इन द गैस फेज, इन फैक्ट दे डू नॉट, अंडर नॉर्मल कंडीशंस आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स. ऐसा ही है बिल्कुल, नॉर्मल कंडीशंस में नॉर्मल टेम्परेचर पे आपके पास आयनिक जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं या आयनिक क्रिस्टल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में हैं, ठीक है. तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं ओपोजिटली चार्ज आयंस के दरमियान, तो ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है. देयरफॉर द आयंस विल बी इन कॉन्टैक्ट टू अ नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस अराउंड देम इन ऑल डायरेक्शंस. लाइक चार्ज्ड आयंस बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन जनरली आर नॉट इन इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट. जाहिर बात है कि जब आपके पास ये जो अरेंजमेंट होती है आयंस की, ये इस तरह से होती है कि अगर पॉजिटिव आयन है तो उसके सराउंड में नेगेटिव आयंस होंगे, ठीक है. क्यों? क्योंकि बेटा पॉजिटिव आयंस के सराउंड में अगर पॉजिटिव आयंस होंगे तो वो रिपेल करेंगे, ठीक है, वो फिर स्टेबल नहीं रह सकेंगे. अच्छा, तो ये जो ओवरऑल आपके पास थ्री डायमेंशंस में ये आयंस की अरेंजमेंट जो है इसे ये क्रिस्टल लैटिस बनाती है, ठीक है, यानी कि क्रिस्टल का ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाती है, इसे हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं. देन व्हेन एन आयनिक लैटिस फॉर्म्स फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस आयंस एनर्जी इज रिलीज्ड, द नंबर ऑफ नियरेस्ट, जब भी आपके पास जो है वो आयनिक लैटिस बनता है तो यानी क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर बनता है, आयनिक लैटिस बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है. नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ ईच आयन इन अ लैटिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर. हाँ जी, किसी भी आयन के करीब करीब जितने भी आपके ओपोजिट चार्ज आयन मौजूद हैं उन्हें हम मोस्टली जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ओके. देन एक्स्ट्रा डायरेक्शन स्टडीज शो दैट द क्रिस्टल लैटिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मेड अप ऑफ स्फेरिकल आयंस. बिल्कुल, आप उन्हें स्फेरिकल आयंस के तौर पे शो कर सकते हैं, यानी कि जो आयंस हैं उन्हें छोटे छोटे स्फेयर्स के तौर पे शो कर सकते हैं. और उसके बाद रिलेटिव नंबर ऑफ कैटायंस एंड आयंस एंड देयर साइजेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एस्टैब्लिशिंग द ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल लैटिस. तो जो ओवरऑल क्रिस्टल की ज्योमेट्री है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पर, कि कितने कैटायंस हैं, कितने एनायंस हैं और कितने डिस्टेंस पर हैं एक दूसरे से, किस तरह से अरेंज हैं, ठीक है. तो लास्ट में देखें, इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द जॉब ऑफ डिस्क्राइबिंग अ क्रिस्टल लैटिस इट इज़ यूजफुल टू स्पेसिफाई द यूनिट सेल ऑफ दैट लैटिस. अब यूनिट सेल क्या है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, यूनिट सेल वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है क्रिस्टल का जो कि पूरी की पूरी खूबियाँ बयान करता है क्रिस्टल की, ठीक है. तो दैट शुड बी द यूनिट सेल चूजन मस्ट जनरेट द एंटायर क्रिस्टल बाय सिंपल ट्रांसलेशन इन थ्री डायमेंशंस. बिल्कुल ऐसा ही है कि क्योंकि वो सबसे छोटा ब्लॉक होता है और उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्रिस्टल की, तो वो आपके पास अगर आप उसे रिपीट करते जाएंगे तो आपके पास पूरा क्रिस्टल बन जाएगा. इंडिकेट द क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द आयंस, और जितने भी आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर एक यूनिट सेल से वाजे हो जाना चाहिए. एंड इट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, और जो भी आपके कंपाउंड का फॉर्मूला है उसे ये जस्टिफाई करे. लाइक अगर सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये है कि एक सोडियम और एक क्लोराइड 1:1 है, तो वो आपका जो यूनिट सेल है सोडियम क्लोराइड का वो उसे जस्टिफाई करे. तो नेक्स्ट हमारे पास स्मॉलेस्ट, ये आपके पास यूनिट सेल की डेफिनेशन है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट विच कैन बी एटम भी हो सकता है, आयन या मोलेक्यूल्स भी हो सकते हैं, दैट इज रिपीटेड इन थ्री डायमेंशनल पैटर्न टू फॉर्म अ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल. यूनिट सेल इज डिफाइंड बाय द लेंथ ऑफ एजेस एंड द एंगल बिटवीन देम. ये वो सारी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें जो आप FSC में पढ़ के आए हैं, जो फोर्थ चैप्टर था लिक्विड्स एंड सॉलिड्स का, उसके अंदर जो है आपने पढ़ा था डिटेल से.
ठीक है, तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल है आपके पास, सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स हैं हमारे पास, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, जिनकी ज्योमेट्रीज होती हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स क्लासिफाई हो सकते हैं स्टीशियोमेट्रिक प्रोपोर्शंस की बेसिस पे, यानी कि 1:1 भी हो सकती है, कैटाइंस और एनाइंस की जो रेशो है 1:2 भी हो सकती है, 1:3 भी हो सकती है, ठीक है, डिफरेंट है। तो पहले जो 1:1 वाले हैं उनमें देख लें कि स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स हैविंग टाइप 1:1, तो वो उनमें सोडियम क्लोराइड शामिल है, सीजियम क्लोराइड शामिल है, जिंक सल्फाइड शामिल है, ठीक है। तो इन सब की जो है वो 1:1 रेशो है कैटाइंस और एनाइंस की। सो फोर स्ट्रक्चर्स अकाउंट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ द 1:1 आयनिक सॉलिड्स एंड दीज आर NaCl, सीजियम क्लोराइड, जिंक ब्लेंडे, जिंक सल्फाइड को कहते हैं, ZnS को एंड द वर्टिजाइड। द मिनरल जिंक ब्लेंडे एंड वर्टिजाइड बोथ कंसिस्ट ऑफ ZnS बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, वो हम देखेंगे आगे जिंक सल्फाइड का जब टॉपिक आए, जब स्ट्रक्चर हमने पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर एग्जांपल जो दी हुई है दैट इज़ सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट भी बहुत है, बहुत दफ़ा पूछ भी लिया जाता है, ठीक है, और ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, दैट इज़ सो दिस इज़ रिलेटिवली ईजियर फॉर यू। तो बेटा इसके अंदर हमारे पास जो आयन पेयर है सोडियम क्लोराइड का, यानी सोडियम और क्लोराइड के जो दोनों आयन्स हैं इनका पेयर, ये आपके पास नीचे उन्होंने शो किया हुआ है फिगर में, ठीक है। आप देख रहे हैं सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये किस तरह से जो है वो आपस में मिले हुए हैं। व्हेन अ सेकंड आयन पेयर इज ब्रॉट नियर टू द फर्स्ट द टू विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड अरेंज देमसेल्व्स इन एज शोन बी। वो कह रहे हैं कि एक आयन पेयर ये वाला और एक आयन पेयर ये वाला, जब इन दोनों को करीब लाया जाएगा तो फिर ये इस तरह से अरेंज करेंगे एक दूसरे को कि इसका सोडियम इसके क्लोराइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसका सोडियम इसके क्लोराइड को। तो आप देख रहे हैं ये अरेंजमेंट इस तरह से है, ना कि इस तरह के क्लोराइड क्लोराइड और सोडियम सोडियम। क्यों? द रीज़न इज़ दैट किस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो वो रिपेल कर जाएंगे, और अनलाइक चार्जेस क्योंकि अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ये ज्योमेट्री जो है ये स्टेबल है, ठीक है। सो यहाँ से अब आपको ये पता चल गया। ओके, देन यहाँ से नेक्स्ट, ये इसमें और कोई चीज़ नहीं है, वही बताया हुआ है कि सोडियम और क्लोराइड आपस में अट्रैक्ट करेंगे, सोडियम सोडियम रिपेल करेंगे, यानी कि सेम चार्जेस रिपेल करेंगे, तो यही यहाँ कुछ यही सब बताया हुआ है। देन इफ़ मोर देन टू आयन पेयर्स कम टुगेदर अ थ्री डायमेंशनल लैटिस इज बिल्ड अप, इफ़ फोर आयन पेयर्स कम टुगेदर अ क्यूबिक अरेंजमेंट इज अरेंज फॉर्म, ठीक है। अभी हम इसका यूनिट सेल जो है वो देखेंगे पढ़ेंगे, बल्कि मैं पहले आपको इसका यूनिट सेल बता देती हूँ, नेक्स्ट आप जो है वो देख लें। बेटा ये आपके पास जो है वो फोर पेयर्स ऑफ NaCl आपके पास इस तरह से अरेंज हुए हुए हैं कि देखिए सोडियम, नेक्स्ट उसके साथ क्लोराइड होगा, क्लोराइड के इधर यहाँ पर सोडियम होगा और ये क्लोराइड। अच्छा, क्लोराइड का साइज़ बड़ा होता है, सोडियम का साइज़ उसके मुकाबले में बहुत कम होता है, इसलिए हम अक्सर सोडियम को स्मॉल बॉल और क्लोराइड को बिग बॉल से भी शो करते हैं, ठीक है। तो ये अब आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से अरेंज है, इसी तरह बिल्कुल इसके नीचे यहाँ देखें, यहाँ क्लोराइड से ओपोजिट सोडियम है, तो हमेशा क्लोराइड से ओपोजिट सोडियम आएगा और सोडियम से ओपोजिट आपके पास क्लोराइड आएगा। ऐसा कहीं भी नहीं NaCl में देखेंगे आप कि सोडियम और सोडियम या फिर क्लोराइड और क्लोराइड ने बॉन्ड बनाया हो, बिकॉज दिस इज़ नॉट पॉसिबल। जो सेम चार्जेस हैं उनमें रिपल्शन की फोर्सेस हैं, ना कि अट्रैक्शन की, ठीक है। सो यहाँ से अब देख लें आप नेक्स्ट, बेटा जो आपके पास रेशो ऑफ आयनिक रेडियाई है इन द NaCl इज 0.53 विच सजेस्ट एन ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट इन क्यूबिक क्लोजर, सॉरी एक मिनट, थोड़ा पीछे से पढ़ रहे थे हम। इफ फोर आयन पेयर्स कम टुगेदर अ क्यूबिक अरेंजमेंट इट कॉन्स्टिट्यूट्स द यूनिट सेल फॉर NaCl, द थ्री डायमेंशनल मॉडल फॉर सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल बेस्ड अपॉन द यूनिट सेल इज शोन, द रेशो ऑफ द आयनिक रेडियाई इन NaCl इज 0.53, ठीक है। ये आयनिक रेडियाई की रेशो है, आयनिक रेडियाई का मतलब है सोडियम क्लोराइड के दरमियान जो आपके पास जो आयन्स का रेडियस है वो आपके पास जो है वो 0.53 है, विच सजेस्ट एन ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट इन अ क्यूबिक क्लोजेट पैक स्ट्रक्चर, सिंस एन ऑक्टाहेड्रल साइड इज फॉर्म्ड बाई सिक्स स्फेयर्स ईच सोडियम आयन स्मॉल स्फेयर्स, मैंने बताया था ये स्मॉल स्फेयर्स भी हम इन्हें कह सकते हैं, इज सराउंडेड बाई सिक्स क्लोराइड आयन्स दैट आर लार्ज स्फेयर्स, इन टर्न ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाई सिक्स सोडियम आयन, वी कैन सी दैट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इज सिक्स एंड दैट ऑफ द ऑक्टाहेड्रल होल एंड दैट दिस आयन सिट्स इन एन ऑक्टाहेड्रल होल डिफाइंड बाई द सिक्स नियरेस्ट क्लोराइड आयन्स। ये मैं आपको यहाँ से भी समझाती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। बेटा जो आपके पास इस अरेंजमेंट को देखें, आपके पास ये एक ब्लॉक है, ठीक है,
अब यहाँ पर इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर हमने ऐसे 8 ब्लॉक्स को इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है। अब कैसे 8 ब्लॉक्स को इकट्ठा किया हुआ है, एक आपके पास ये वाला ब्लॉक है, एक इसके पीछे ये वाला, एक साथ और एक ये वाला, ठीक है। 4 ये हो गए और 4 बिल्कुल इसके नीचे, 1, 2, 3 और 4 ये ब्लॉक्स हैं, ठीक है। जब आप इन्हें बनाएंगे, आपने ये FSE में भी बनाए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे ठीक बने हुए हैं, मैंने इसलिए सेपरेटली नहीं बनाए, तो ये आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है ये क्लियर हो जाएगा। अब इसके अंदर आपने बनाना इस तरह से होता है, यहाँ पे है सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है, यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा आपको बताया हुआ है कि जो बिल्कुल ब्लैक डॉट्स हैं वो सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो हॉलो आपके पास स्फेयर्स हैं वो क्लोराइड को जो है शो कर रहे हैं, ठीक है, स्मॉल स्फेयर और बिग स्फेयर के। ये आपके पास सोडियम है, देख लें सोडियम ऑल्टरनेट है क्लोराइड से, ठीक है, क्लोराइड आता है फिर सोडियम फिर क्लोराइड फिर सोडियम, इसी तरह ये वाले आपके पास ये सोडियम है, इसी तरह ये सोडियम है। अब अगर मैं दरमियान में एक सेंट्रल सोडियम को ले लूँ, ठीक है, इस वाले को, ये जो मैंने मार किया है इसको आप इमेजिन करें, ठीक है बेटा, इस एक सोडियम को कितने क्लोराइड ने सराउंड किया हुआ है, आप काउंट करना शुरू करें तो बेटा एक आपके पास ये 1, ठीक है, 2, 3, 4 हो गए, ठीक है, उसके बाद 5 और 6, यानी कि 6 क्लोराइड जो आइंस हैं उन्होंने सोडियम आइंस को डायरेक्टली एनवेलप किया हुआ है, उसके सराउंडिंग में है, ठीक है। तो बेटा इस वजह से, क्योंकि एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन ने सराउंड किया हुआ है, दैट इज़ वाई कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सोडियम इज 6, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर ये बढ़ जाए, ये आपके पास जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक और आ जाए, इसके ऊपर भी एक और आ जाए, इसके ऊपर भी एक और आ जाए, ठीक है, तो फिर आप देखेंगे कि हर एक क्लोराइड को भी 6 सोडियम ने सराउंड किया हुआ है, ठीक है। मैं उसकी एग्जांपल आपको दे देती हूँ, बेटा इसको इमेजिन करें, ये जो 5 लिखा हुआ है, जहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ये 5 नंबर, ये एक्चुअली है तो क्लोराइड आयन ना, इसको कितने सोडियम ने सराउंड किया हुआ है, 1, 2, 3, 4, एक ये नीचे 5, और अगर इसके ऊपर आपके पास, जाहिर है जब क्रिस्टल होता है तो वो जॉइंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो इसके ऊपर भी बिल्कुल इसी तरह से एक और सोडियम होगा, तो आप देख लें कि 6 जो है वो सोडियम ने क्लोराइड को सराउंड किया हुआ होगा, दैट इज़ वाई कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर क्लोराइड इज 6, तो 6 ही सोडियम का है, 6 ही क्लोराइड का है, दैट इज़ वाई दे आर इन 1:1, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये जो इन्होंने ये वाला बताया हुआ है ना, ये यहाँ से बताया हुआ है, इस सोडियम को आप सेंटर में रख के जब आसपास के क्लोराइड्स को देखना शुरू करते हैं तो आपके पास इस तरह की ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट बनेगी। मैं बता देती हूँ कैसे, बेटा लेट सपोज जिन्होंने क्लोराइड नंबर 1 का हुआ है वो आप इसे ले लें, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो यहाँ पर आपका सोडियम है, ठीक है, तो ये इस तरह से उन्होंने ये ऑक्टाहेड्रल क्यों है, क्योंकि इसके 8 फेसेस बनते हैं। अच्छा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक विच कंसिस्ट ऑफ क्लोराइड एंड एट द कॉर्नर एंड द मिडल ऑफ द फेसेस एंड सोडियम आयंस ऑक्यूपाइंग स्पेसेस ऑन द एजेस एंड एट द स्पेस एट द सेंटर, ठीक है। कहाँ कहाँ पे हैं ये बाप देख लें, तो सोडियम आयन एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयंस, ईच क्लोराइड आयन इन अ कॉर्नर पोजीशन इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स एंड ईच क्लोराइड आयन इन द मिडल ऑफ अ फेस बाय 2 यूनिट सेल्स। हाँ, ये एक और चीज़ जो समझनी ज़रूरी है वो ये है कि बेटा आपके पास जो कॉर्नर पे क्लोराइड है, जैसे कि ये वाला है, ठीक है, इस तरह का जो क्लोराइड है, इसे 8 यूनिट सेल्स जो हैं वो शेयर करते हैं। कैसे, आपके पास एक तो ये हो गया, ठीक है, एक इसके साथ आएगा, एक इस तरफ आएगा, ठीक है, आपके पास बल्कि इस तरह देखने के बजाय आप यूँ देख लें, ये आपके पास है इस तरह से, ठीक है। मैं इस कॉर्नर की बात करी, इस कॉर्नर पे मौजूद जो क्लोराइड है उसे 8 यूनिट सेल कैसे शेयर करते हैं, एक इसके साथ वाला, एक इधर वाला और एक इधर वाला, 4 ये हो गए, ठीक है, और बिल्कुल 4 इसके ऊपर, मैं अगर 4 इसके ऊपर लिख दूँ, मैं उसका आपको चेंज करके जो है कलर चेंज करके बता देती हूँ, ठीक है। लेट सपोज 4 ही इसके ऊपर यूनिट सेल्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4, तो आप देख रहे हैं इस एक क्लोराइड जो कॉर्नर पे क्लोराइड आयन था उसे 8 यूनिट सेल्स ने जो है वो शेयर किया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो आपके पास ये मिडल में है, यहाँ पर जो क्लोराइड है बेटा उसे 2 जो है यूनिट सेल्स आपस में जो है वो
शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, इज अ कॉर्नर पोजिशन शेयर बाय 8 एंड द क्लोराइड इन द मिडल ऑफ अ फेस बाय 2 यूनिट सेल्स। ठीक है, जो मिडल में हैं उन्हें सिर्फ जो है वो 2 जो है वो शेयर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास इसीलिए जो आपके पास ओवरऑल दिस लीड्स टू अ टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड आइंस फॉर अ यूनिट सेल कितने बनेंगे, 8 यूनिट सेल आपके पास 1/8। ठीक है, 8 × 1/8 क्योंकि 1/8 शेयर है, साथ हम प्लस करेंगे 1 × 1। ठीक है, सॉरी एक मिनट, उसे यहाँ पे 8 यूनिट सेल्स ओवर 1/8 प्लस नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, कितने यूनिट सेल इसको जो है वो शेयर कर रहे हैं बाय अ फेस बाय 2 यूनिट सेल्स। एक मिनट वेट करें, ये आपके पास जो ये वाला बेटा यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये कोऑर्डिनेशन नंबर है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास किस तरह से निकलेगा, एक आपके पास जो क्लोराइड आयन का क्लोराइड आयन है वो 8 यूनिट सेल्स उसे शेयर कर रहे हैं और जो सेंटर में मौजूद है क्लोराइड आयन उसे 2 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं। इनकी तादाद 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और जो फेस के सेंटर में मौजूद हैं उनकी तादाद 6 है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसलिए बेटा जब इसका फॉर्मूला बनेगा तो वो ये बनेगा कि 8 × 1/8 + 6 × 1/2। ठीक है, आप इन्हें कैंसिल कर दें, आपके पास 1 + 3 आ जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा 4 के, तो ये आपके पास 4 आ गया। सो देर आर 12 सोडियम आयन अलॉन्ग एजेस ऑफ द यूनिट सेल एंड एजेस शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल्स। सो द सोडियम इन द वेरी सेंटर ऑफ द यूनिट सेल एंटायरली बिलोंग्स टू दैट यूनिट सेल, दस टोटल नंबर ऑफ सोडियम आयन्स फॉर अ यूनिट सेल आर। अब देखें बेटा सोडियम काउंट करें, सोडियम आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो मौजूद हैं इन एजेस के दरमियान में। ठीक है, इन साइड्स के दरमियान में जो सोडियम मौजूद हैं वो 12 हैं, हर इनमें से हर सोडियम जो है वो 4 यूनिट सेल्स जो हैं वो उसे शेयर कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 12 × 1/4 आ जाएगा पहली बात। ठीक है, फिर जो सेंटर में सोडियम है, ये वाली सोडियम ये रही, इसे कोई यूनिट सेल शेयर नहीं कर सकता, दैट इज़ वाई बेटा इसके लिए हम 1 × 1 ही लिखते हैं। तो अब आप देख लें 12 × 1/4 × 1 × 1 = 3 + 1 = 4, इसके भी आपके पास सेम आई है। सो इट इज़ फाउंड दैट अ यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ 4 सोडियम एंड 4 क्लोराइड आइंस विच कॉरिस्पॉन्ड टू अ स्टोइकोमेट्री ऑफ 1:1 कीपिंग विद द फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला यहाँ पर जस्टिफाइड हो जाता है। इन मोस्ट ऑफ द अल्कली हैलाइड्स वेयर द एनायंस आर लार्जर देन द कैटायंस वी फाइंड द सोडियम क्लोराइड ज्योमेट्री विद द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6। मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड सल्फाइड्स एंड सेलेनाइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल जैसे कि सिल्वर फ्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, इनके भी बिल्कुल सोडियम क्लोराइड जैसा ही स्ट्रक्चर होता है विद सेम स्टोइकोमेट्री, दैट इज़ 1:1। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और ये बनाना भी साथ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, सॉरी सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, अगर कोई क्वेश्चन हो बेटा तो आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।